हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे महत्वपूर्ण निबंध, संस्कृत अनुवाद एंड आपका महत्वपूर्ण श्लोक एंड आपका संस्कृत जब का जो क्वेश्चन आंसर होता है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय एंड आपका श्लोक, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100 यानी कि 99% उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं इस वीडियो में बताऊंगा ओनली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बना दिया था, लेकिन आपको ये वीडियो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं और आपका परसेंटेज उठाने के लिए, 90% लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। सबसे पहला आप लोग देख लो, भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड समझो, सेकंड है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि ये पर्यावरण में समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और आपको इसे याद कर लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैंने कहा है पहले आप टॉपिक लिखो, जैसे आप बाई सरवन लेक्चरर लगा दो, सर्वन लेक्चरर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे पर्यावरण की समस्या भाई सर्वन लेक्चरर, पर्यावरण की समस्या निबंध भाई सर्वन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। मैंने कई सारे 1000+ वीडियो आप क्लास टेंथ का अपलोड किया है अपने पूरे चैनल पर। देखो, तीसरा है कि बढ़ती बेरोजगारी कारण और निवारण, जो बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ रही है इसका कारण भी देना है, निवारण, बढ़ती बेरोजगारी कारण तथा निवारण, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऐसे जो कि है बढ़ती बेरोजगारी, जो बेरोजगार है वो बढ़ता जा रहा है और इसका आपको कारण भी बताना है, जो इसका कारण क्या है, क्यों बेरोजगार बढ़ता है, और निवारण भी बताना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो नौकरियाँ हैं, अगर 1,00,000 वैकेंसी हैं, ठीक है, 1,00,000 वैकेंसी हैं, तो आप सोचो कि मतलब अगर जनसंख्या पहले 1,00,000 थी, अब भाई बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन जो व्यापार है, जो नौकरियां हैं, उसमें कमी हो रही हैं। तो ऐसे में एक कारण बहुत बड़ा है कि जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत बड़ी कारण है एक बेरोजगारी की। ठीक है, अगर पहले 1-2 लड़के थे, फिर उनके 5 लड़के हो गए, तो 2 लड़कों को नौकरियाँ मिला लेकिन 3 को नहीं मिला, तो वो बेरोजगार हैं। तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी कारण है बेरोजगारी की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पर ऐसे, इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है ये निबंध कोरोना वायरस पर ऐसे, तो आप लोग भी देख लेना। ठीक है, एंड अगला है विज्ञान वरदान, या आपसे आप ये टॉप 5 ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये टॉप 5 ऐसे। ठीक है, 5 ऐसे आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉप 5 ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है। पहला है भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तीसरा है बढ़ती बेरोजगारी कारण और निवारण, चौथा है कोरोना वायरस, पाँचवा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ओके, तो ये 5 निबंध आप तैयार करके तभी हाल में घुसना या जाना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने। तो यहाँ से आप 5 ये निबंध तैयार कर लो आज से ही। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत अनुवाद, चलो हम लोग एक एक संस्कृत अनुवाद को देखते हैं। पहला पे फोकस करो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो भाई आप संस्कृत में अगर जानोगे तभी लिख पाओगे। जैसे वृक्ष को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वृक्षात। ओके, एंड सॉरी फल है, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो फल को आपको लिखना है फलानी। इसका भी कुछ नियम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे आप याद कर लो, पतंती, हाँ पतंती, ये ता कर लो भाई, ये ता कर लो, अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ जैसे ये आपका प्रेजेंट टेंस है, पहले आप पढ़ते थे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, वैसे अंत लगता है जो आपका ये ता है, ठीक है, वैसे आप याद कर लेना, थोड़ा रूल्स होते हैं। तो पहला ये है सदा सत्य बोलो, दूसरा क्या है इसका आपको संस्कृत में सारा अनुवाद करना है, तो सदा सत्य बोलो यानी कि सदा सत्यम वद,
ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है। वैसे मुझे संस्कृत बहुत ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अब एक बात बताएं कि संस्कृत मुझे वो वाले नहीं आते हैं जो जो हिंदी संस्कृत नहीं, एक अदर संस्कृत होता है, अलग सब्जेक्ट होता है संस्कृत का, वो भाई उतना मैं संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, वरना मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता। हम दोनों विद्यालय गए, ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी होती हैं। हम दोनों का होगा अहम, नहीं वो अहम तो उसका होता है, यहाँ आवा आवा होगा हम दोनों का। विद्यालय का आप लिख दो विद्यालयम, विद्यालयम, और गए का क्या होगा अगच्छावा, अगच्छाओ। ये आपका हो गया तीसरा का, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीन आपको समझ में आ गए, ये तीन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे चौथा, देखो चौथा, जैसे मैं आज घर जाऊंगा, तो मैं का क्या होता है अहम, क्या होता है अहम। आज का क्या होगा अध, ठीक है, एंड घर का क्या होगा घर, घर का क्या होगा गृहम, गृहम, एंड जाना का क्या होता है गमिष्यामि, गमिष्यामि। ये आपका हो गया इसका संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। एंड यहाँ देखो भिक्षुक को भोजन दो, यानी कि भिक्षुक को संस्कृत में क्या कहते हैं, भिक्षुकाय, क्या कहते हैं भिक्षुकाय, भिक्षुकाय भोजनम, और देना का होता है यच्छ, ठीक है, याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्या बता दिया, इधर से मैंने आपको फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, हिंदी टू संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ से आप इन टॉप फाइव को तैयार कर लेना, और भी आगे चलकर कराए जाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो आपको लगातार कराए जाएंगे, डेली बाय डेली आपको रिवीजन कराया जाएगा, एक्सपीरियंस बनाया जाएगा कि आप 70 नंबर कैसे लाओगे, पूरा आपको बहुत सारे मैराथन क्लास दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, और आपका पेपर लाके सॉल्व कराया जाएगा, 3.5 घंटे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको दिखाएंगे सॉल्व करके पेपर, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ नियम बनना है, कानून बनना है, तो ऐसे में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ी सी भी अगर चिंता हो थोड़ी भी, तो वो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग जीवन परिचय हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे यहां पहले हम लोग गद्य से देखेंगे, गद्य से मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपके 3 नंबर तो गद्य से आते हैं, प्लस 3 नंबर पद्य से आते हैं, दोनों मिलाकर 6 नंबर के आते हैं। और अगर आपके 6 नंबर के यही आते हैं तो 1% यही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां से 1% आप अपना अचीव कर सकते हो, ला सकते हो। तो अब अगर डिटेल में बात की जाए तो आपको गद्य पद्य दोनों के बताएंगे। तो पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर बात है कि आपने नहीं पढ़ाया, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है 2 से 3 बार, अगर आप सर्च कर लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय 22 श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। सभी का लिंक देना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए आप थोड़ा आप सर्च कर लिया करो, चाहे जो टॉपिक हो 22 श्रवण लेक्चरर लगा के आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा, और आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। और वरना आप क्या करो कि आप वैसे भी सर्च करोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो आ ही जाएगा। फिर अगला देखो, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका भी अभी जल्दी अपलोड किया गया है, दोनों का भी जल्दी जल्दी अपलोड किया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का भी अभी 1 हफ्ते हुए हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का बहुत आसान जीवन परिचय है, ठीक है, और आप लोग याद कर लेना, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लेना वीडियो, ठीक है। और इनको जीवन परिचय, आप जीवन परिचय याद करो, रचनाएं याद करो, और आपको कुछ और नहीं याद करना, जीवन परिचय रचना ये दोनों लिखना पड़ता है। और आपको 2 नंबर तो आपको जीवन परिचय की दे जाते हैं, प्लस 1 नंबर उनकी कृति की दे जाती हैं, कुल मिला के 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना, अभी जल्दी पढ़ाया गया है, और अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तो भाई आप सर्च कर लेना, मैंने अभी ऑलरेडी 5-6 दिन हुए हैं पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा डिटेल में इनकी रचना भी बताई गई है, ठीक है, इनकी रचनाएं भी डिस्कस किया गया है उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा ऊपर ही। चलो फिर हम लोग अब पद्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। पद्य में क्या है, पद्य में आपको फर्स्ट याद करना है सूरदास जी। सूरदास, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके संदर्भ आता है, प्रसंग आता है,
और व्याख्या आता है, ये तीनों चीजें आपके इसमें पूछे जाती हैं, ठीक है। ये तीनों आपके अगर बात की जाए तो आगे के तीन चैप्टर्स आपको याद करने हैं, अच्छे से उनका अनुवाद निकालना है। पहला चैप्टर सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास, तीसरा बिहारी। इन तीन चैप्टर को आप कंठस्थ कर लो, बिल्कुल याद कर लो, और इन्हीं तीन चैप्टर से आपके आ जाएंगे 100%। तो आप इन तीन चैप्टर को मत छोड़ना, आगे से तीन चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। गद्य में जो आपके पैसेज जाते हैं, गद्यांश पद्यांश, ये सारी चीजें आपके आगे की तीन चैप्टर आप याद कर लो और 100% आपसे पूछ लिया जाएगा उसी में से 100%। और आगे के तीन चैप्टर आप जीवन पर से याद कर लो, ठीक है। पहले गद्य में, पद्य में आपको आगे के दो याद करने हैं, तीसरा भी मैं बताता हूं। यहां दूसरा याद कर लो तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का। पहले सूरदास जी का याद करो, तुलसीदास जी का। देखो जो पद्य के जीवन परिचय होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, इनका एकदम डिटेल नहीं पता होता है कि इनका जन्म अब हुआ था, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनके माता पिता, ये सब नहीं पता होता है सही से। तो इसलिए आप सही से याद करना। महादेवी वर्मा जी का तो पता है, तीसरा जो जीवन परिचय है इनका तो अच्छे से पता है महादेवी वर्मा जी का, लेकिन ये दोनों जो है ना महोत्सव, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास, इन दोनों का बहुत सही से नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे गद्य में मैंने तीन जीवन परिचय बता दिया, पद्य में तीन जीवन परिचय अर्थात छह जीवन परिचय आपको याद करना है, और अगर आप पांच याद करना चाहते हो तो आचार्य रामचंद्र सूर जी का याद कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लो, राजेंद्र प्रसाद का छोड़ सकते हो, सूरदास तुलसीदास महादेवी वर्मा, इधर तो तीन याद ही करना पड़ेगा, उधर आप दो ही याद कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या कंप्लीट कराया है, महत्वपूर्ण निबंध, फिर मैंने हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट मैंने कराया, फिर ये है आपका महत्वपूर्ण जीवन परिचय। यहाँ से आपके कई सारे टॉपिक क्लियर हो गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन टॉपिक्स में, ठीक है। आगे हम लोग कई सारे अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप लोग करो क्या, इन सबके नोट्स बना लो, अच्छे से याद कर लो, कोई भी आपको भूल नहीं होनी चाहिए, हर एक टॉपिक आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। फिर हम लोग चलते हैं अगले पेज से, ठीक है, तब तक आप लोग इन सारे को नोट्स कर लो, अच्छे से याद कर लो। चलो अगले पेज से चलते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ बात होगी महत्वपूर्ण श्लोक, यानी कि श्लोक को याद करना है। श्लोक आप कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है, और हमारे लिए सबसे इजी और सबसे सिंपल श्लोक यही लगा, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। सिंपल ना लिखो, हिंदी है भाई, इंग्लिश ना यूज करो, सरल श्लोक, सबसे ज़्यादा सरल श्लोक यही लगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको श्लोक एक याद करना है और आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 1/2% आपका ये भी होता है। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् सुख सॉरी दुख भागा भवेत्। फिर से एक बार देख लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। यहाँ आपको ये श्लोक बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, एक और अदर आप एक अलग से श्लोक याद कर लेना, क्योंकि अगर यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसका संदर्भ लिखो एंड व्याख्या लिखो, तो आप क्या करोगे, तो इसीलिए एक और याद कर लेना। मैं एक इंपॉर्टेंट अभी बता दिया हूँ, अभी तो आपका पेपर बहुत दिन बाद है, तो मैं तब तक आपको 10 श्लोक संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ करा दूंगा, ओके। तो केवल करना क्या है, चैनल से लगातार जुड़ा रहना है, ठीक है बस। तो अब हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं बढ़िया वाला, संस्कृत खंड प्रश्न उत्तर, संस्कृत खंड का प्रश्न उत्तर, ठीक है। पहला है, वाराणसी कस्य भाषा केंद्रम अस्ति, वाराणसी जो है किस भाषा का केंद्र है, किस भाषा का केंद्र माना जाता है, ठीक है। और आपको पता है वाराणसी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो अब आप लोगों को मैं लिख कर समझा देता हूँ। वाराणसी जो है ना संस्कृत भाषा का केंद्रम अस्ति, कुछ करना नहीं है इसको, केवल एक चीज आपको बदलना है, ये जैसे आपको कोई प्रश्न होता है कस्य है, तो कस्य मतलब किस, तो यहां आपको लिख देना है केवल संस्कृत भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा का है, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ज्ञानम कुत्र संभवति, ठीक है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ओके। तो यहां से आप ये भी याद कर सकते हो, केवल एक एक चेंजेस करना है, उसमें से कुत्र हटाकर इसे ऐड कर देना है,
और ये काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं आपको 2 नंबर अचीव करने के लिए, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ो तो, वरना सब कुछ कठिन होता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है आने का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग सबको याद करना है जितना बता रहा हूँ उतना। वीर केन पूजते हैं, जो वीरा है वीर लोग वो क्या पूजते हैं, तो यहाँ आप याद कर लो, ऐसे आप लोग जानते होंगे। सॉरी वीर, सॉरी रुको बताते हैं, वीरा जो ये लिखा है यही लिखना है, ठीक है। केन के स्थान पर आपको लिख देना है वीरेण, पूज्यते हैं, ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते हैं, ओके, याद हो जाएगा ना। चौथा नंबर क्या है, विश्व, विश्व सृष्टा का, विश्व की सृष्टि किसने की है, तो विश्व, विश्वस्य सृष्टा, ओके, कहा मतलब वहां ईश्वर लिख दो, ईश्वर ने किया है, ईश्वर एक एवं अस्ति, तो यहाँ से आपका ये 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है, 4 इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इन 4ों को याद कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो था मेनली श्लोक के लिए और संस्कृत प्रश्न उत्तर के लिए, हिंदी टू संस्कृत अनुवाद के लिए और महत्वपूर्ण जीवन परिचय के लिए, महत्वपूर्ण निबंध के लिए। कई सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करा दिए गए हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हों सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार कमेंट करना आपको किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मुझे मेरे पास कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख झेलना पड़ेगा। तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत हो, मैथ से लेकर कला तक, तो आप लोग कमेंट कर देना। कला जैसे मॉडल पेपर आएगा, मैं आप लोगों के लिए सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज़ मॉडल पेपर के साथ, सॉल्यूशन एंड मॉडल पेपर सब कुछ, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल पर नया हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।